आधुनिक समय में कहानियां लिखी नहीं जाती बल्कि सुनी जाती हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग पढ़ कम रहे हैं और सुन ज्यादा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 का शानदार आयोजन किया गया। पहले दिन के दूसरे सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI, प्रोफेसर नेम कुमार जैन, लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर रमा सिंह, मॉडरेटर निशा भार्गव, चेतन आनंद, नेहा वैद्य, मधु चतुर्वेदी, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथि का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारे देश की सारी संस्कृति कविताओं में लिखी है। यदि आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस समय की समस्याओं के बारे में जो लिखा वो आज भी निरंतर जारी है। वही अगर आज हम चेतन भगत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में न्यूज बुलेटिन मंथन का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया, साथ ही मानवी भारती द्वारा लिखी किताब शक्ति सोच की पुस्तक विमोचन भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी कविताओं के जरिए अपने विचारों को साझा किया और साहित्य को जिंदा रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आफ्ट स्कूल ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा नृत्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें आफ्ट के पूर्व स्टूडेंट्स अमन पांडे द्वारा धार्मिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुति की गई। साथ ही सती ने भी अपनी प्रस्तुति दी। अमन ने अपने परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपको बता दें कि मौजूदा अतिथिगण ने भी संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल का जो कविता पाठ है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सारी दुनिया जो है इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि अगर लिटरेचर फेस्टिवल है तो कवि सम्मेलन तो होगा ही, और इसीलिए आज हम लोगों ने देश के चर्चित कवियों को यहाँ बुला रखा है। बल्कि 2 स्टूडियो में एक साथ कवि सम्मेलन चल रहा है, स्टूडियो 1E में भी और ऊपर दूसरे छोटे स्टूडियो में भी, क्योंकि इतनी ऑडियंस है कवि सम्मेलन में भाग लेने वाली। और ऑडियंस से ज्यादा मजे की बात यह है कि कवि खुद ब खुद यहाँ पर आकर कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं, और चर्चित कवि हैं जिन लोगों ने देश भर और दुनिया भर में जाकर हमारे देश का नाम किया है, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत कविताएं सुनने को मिल रही है और जो कविता से जो है लोग प्रोत्साहित जल्दी हो जाते हैं, कविताएं जो हैं वो सीधा दिल में उतर जाती है। और आप कितना ही भाषण दे लीजिए, शायद हो सकता है वो कहीं आपके दिले दिमाग को टच ना करे, लेकिन कविता की 4 लाइनें जो हैं वो आपको प्रफुल्लित कर देती हैं, खुश कर देती हैं, और जो मकसद होता है आपका वो मुझे लगता है आपके दिलों और दिमाग तक पहुंच जाता है। फेस्ट में आकर एक अनोखी अनुभूति हुई, जितने स्नेह से जितने प्यार से यहाँ पर हमें सुना गया, उससे ये अनुभूति हुई कि हम जो भी लिख रहे हैं वो कहीं न कहीं सार्थक है, क्योंकि हर लेखक हर कवि शांत सुखाए लिखता है, अपने लिए लिखता है, लेकिन देखना ये होता है कि वो शांत सुखाए कहीं परांत दुखाए ना बन जाए, कि जो आपको सुख पहुंचा रहा है वो कहीं दूसरे के दुख का कारण ना बने। तो जब आप स्वयं अपने लिए लिखते हैं और आपकी पीड़ा स्व की पीड़ा होती है जो हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, या स्व का आनंद होता है जो हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, पर वो स्व से पर तक यात्रा करते हुए समग्र की अनुभूति बन जाता है, तो हमारी लेखनी सार्थक होती है। हिंदी साहित्य के प्रति रुझान बढ़ने
का या किसी भी साहित्य के उद्धार बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसको पढ़ा जाए, और पढ़ने के लिए देख रही हूँ कि आजकल वक्त नहीं है, तो उसके लिए जैसे आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है तो अगर ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहे तो हम थोड़ा सा वक्त ऐसे कार्यक्रमों के लिए निकाल पाएंगे आज के जो युवा हैं, और जब वो आमने सामने बैठेंगे तो अपने छोटे से समय में ही जो उनके प्रति हिंदी के प्रति जो एक रुचि उनमें पैदा होगी और एक लेखन का भी तरीका आएगा और हमारी हिंदी को बहुत विकास मिलेगा। तो पुस्तकें पढ़ना आजकल बहुत कम हो गया है, और पुस्तकें कम पढ़ने की वजह से ही साहित्य के प्रति भी रुझान थोड़ा कम हुआ है। तो अगर पुस्तकें पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम ऐसे ही आयोजन जरूर होते रहने चाहिए, चाहे वो नाटक हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे हिंदी से संबंधित और जितने भी कार्यक्रम है वो होते रहेंगे तो भी हिंदी का और साहित्य का बहुत उत्थान होगा। आपकी नजर में हिंदी साहित्य क्या परिभाषा है? हिंदी साहित्य की परिभाषा ये है कि जो साहित्य समाज के हित में लिखा जाता है वो साहित्य साहित्य कहलाता है। अगर समाज के हित में नहीं है, हमारा समाज का कोई रूप उसमें नहीं है, तो हम उसको साहित्य नहीं मानते हैं। कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अगर वैयक्तिक भी हो तो पूरी शालीनता के साथ हो। हाँ। मैम, हर देश में सदनों की राजभाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में हिंदी सदन में इंग्लिश को तोज दिया जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा जब देश आजाद हुआ था उसी समय चाहिए था कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता, जैसे इसराइल ने कहा था कि भाई कल से ही शुरू हो जाएगी हमारे देश की भाषा। पर हमारे यहाँ उस समय नहीं किया, 15 साल का अवसर दिया गया इसको कि 15 साल के बाद हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, और कुछ राजनीति ऐसी चली कि 15 साल करते करते आज 70-72 साल हो गए, 75 साल हो गए और नहीं बन पाई है, जबकि विदेशों में यही मानी जाती है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। क्योंकि मैं विदेश गई हूँ, कई लोगों के साथ गई हूँ, तो कहते अपने देश की भाषा में बात कीजिए, यानी हमारे देश की भाषा हिंदी है, हम उसी भाषा में वह बात करते हैं तब हमें सम्मान मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। ये अनवरत 9 साल से कर रहे हैं, मुझे दूसरी बार इसमें आने का मौका मिला है। वास्तव में नई पीढ़ी को, नौजवानों को साहित्य के साथ जोड़ने का जो असल काम कर रहे हैं वो ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में हो रहा है, और आज जरूरत भी है अपने भारतीय संस्कारों को और भारतीय परंपराओं को जानने के लिए और साहित्य से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए और नौजवान पीढ़ियों के बीच में होने चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम काम करते हैं और बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है, और हमारी आदत ही भविष्य में चलकर बनती है संस्कार, और संस्कार ही जाके बनते हैं परंपरा। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारी आदतें अच्छी होंगी, आदतें अच्छी हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अगर अच्छे हैं तो हमारी परंपराएं भी स्वस्थ होंगी और हमारे जीवन को और समाज को लेके जाएंगी उत्तरायण की ओर, यानी उजाले की ओर। तो साहित्य सबको जोड़ता है और उजाले की ओर लेकर चलता है, इसलिए नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का आज जो काम हो रहा है ये फेस्टिवल के माध्यम से, मैं इनको शुभकामना देता हूँ मारवा को, जो AFT को, और इस तरह की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस संस्था को, संदीप मारवा जी को बोलूँगा कि जितना सुंदर मुझे मंच पर बुलाया, और मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है इस जगह पर डांस करके, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बोला कि अपनी छोटी सी प्रस्तुति दीजिएगा। मैं छोटी सी क्या देता हूँ, थोड़े से अच्छे से दे देता हूँ। तो मैंने 30 मिनट की अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दिया, अब वो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा किया, बट ये गुरुजनों का मेरा आशीर्वाद है जो मैंने थोड़ी देर तक इतने कम टाइम में मैंने डांस करके अपने आप को दिखाया कि कैसा लगा, वो तो आप सब बता सकते हो। और माय फर्स्ट गुरु पंडित विशाल कृष्णा जी, एंड अभी फ़िलहाल मेरे पंडित जय कृष्ण महाराज जी से अपनी तालीम प्राप्त कर रहा हूँ। और मैं बेसिकली रहने वाला बनारस से हूँ, मैं कथक केंद्र का स्टूडेंट हूँ, जो अभी मैं 5 वर्षों से यहाँ पर तालीम प्राप्त कर रहा हूँ।